इंटरमीडिएट परीक्षा चल रहा है, होम साइंस गृह विज्ञान के लिए सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है, मतलब होम साइंस पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई व शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। मतलब इसमें पढ़ाया जाता है कि हम लोग कैसे पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, साफ सफाई कैसे करना है, शिशु जो है बच्चे का देखभाल कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ का वैज्ञानिक विधि बताया जाता है। दूसरा है जल क्या है, तो जल वह साफ तरल है जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सहयोग से बनता है। इसका यहाँ हो जाएगा, इसका रासायनिक संकेत H2O है। प्रकृति में जल तीन रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस रूप में। निमोनिया क्या है, तो निमोनिया शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है, या कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाने चाहिए, मतलब बच्चा लोग को सर्दी नहीं लगने देना चाहिए, यदि लग गया तो निमोनिया हो सकता है। BCG क्या है, ये बच्चों ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BCG क्या है, तो BCG का पूरा नाम बेसिलस कामेंग्यूरिन है। BCG का टीका तपेदिक, मतलब जब बुखार होता है, अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से एक माह तक BCG का टीका लगाया जाता है। उपभोक्ता का अर्थ क्या है, तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु सेवाओं को खरीदता है तथा उनका उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। बचत क्या है, तो आय का वह अंश जो व्यक्ति बचाता है बचत कहलाता है। बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखा जाता है। कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है वह बचत कहलाता है। जीवन बीमा क्या है, तो जीवन बीमा बचत का उत्तम साधन है, या जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया एक बंध पत्र है जिसमें भविष्य में अनिश्चित विपत्तियों या घटना घटने पर बीमा धारक को या उसके उत्तराधिकारी को एक पूर्व निश्चित धनराशि निगम द्वारा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग क्या है, तो डिप्थीरिया अत्यंत भयंकर संक्रामक रोग है जो कोरिने बैक्टीरिया टिपिगिन नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रणव करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण क्या है, तो उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीकों से कर सकता है उसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो इसके लिए कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। उपभोक्ता संरक्षण क्या है, तो उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीकों से कर सकता है उसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो इसके लिए कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश होने से अवांछनीय परिवर्तन होता है जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्राथमिक रंग क्या है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लाल, पीला एवं नीला, ये तीन रंग प्राथमिक रंग है। इन्हीं रंगों के सम्मिश्रण से विविध प्रकार के रंग बनते हैं। द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक एवं चतुर्थ श्रेणी के रंग सभी का निर्माण इन्हीं तीनों रंगों से मिलने से होता है, परंतु इन तीनों प्राथमिक रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब
लाल पीला और नीला को किसी दूसरे रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि दूसरे रंग को इन रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है। बचत खाता क्या है? तो बचत खाते में बैंक जमा धारक को चेक बुक तथा पासबुक प्रदान करती है। इसे अकेले या दो व्यक्ति संयुक्त रूप से खोल सकते हैं। बैंक निश्चित दर पर जमा राशि पर ब्याज देती है। सैलरी अकाउंट इसी प्रकार के खाते के अंतर्गत आता है। यह खाता साधारण स्थिति वाले व्यक्ति के लिए सुलभ और लाभप्रद है। अस्थायी दांत क्या है? तो दांतों का निर्माण मसूड़ों में गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। जन्म के पश्चात 6 महीने से दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। यह दांत अस्थायी होते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। कहने मतलब है जन्म के बाद जो दांत उगता है बच्चों को, वो दांत क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और टूटने के बाद जो दांत उगेगा वो अस्थायी दांत होगा। तो इसलिए जो शुरू का दांत होता है वो अस्थाई होता है। विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन द्वारा विक्रेता का उत्पाद कंपनी उपभोक्ता को अपनी माल के सूचना देने और बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से इनका सहारा लेते हैं। विज्ञापन का अच्छा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, खासतौर से जबकि विज्ञापन देखने में अच्छे सचित्र और अच्छे शब्दों या नारों के रूप में हो। निर्माताओं का यह फर्ज बनता है कि वे अपने माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से झूठा और भ्रामक प्रचार ना करें। मासिक धर्म क्या है? तो मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। लाल रंग कहने मतलब है जो खून निकलता है वो। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडा डिम्बवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुँचता है। यदि इस डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन ना हो तो स्राव बन जाता है जो योनि से निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या महावारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। ज्वर क्या है? तो जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ज्वर कहते हैं। ज्वर मतलब बुखार लग जाना। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक व्यक्ति को ज्वर कई कारणों से हो सकता है, जैसे संक्रमण, कीड़ों के कारण, प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण, मध्यस्थता कारण, दुर्भावपूर्ण तथा नशे आदि से आ सकता है। सुपोषण किसे कहते हैं? तो सुपोषण के अंतर्गत वैसे भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं जिनमें सभी पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित अनुपात एवं मात्रा में मौजूद होते हैं। सुपोषण में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के भोजन से भी क्रियाओं को समुचित संचालन की क्षमता रहती है, शरीर की सभी कोशिकाओं का पोषण होता है, रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है। रोजगार क्या है? तो भुगतान किए गए कार्य की स्थिति। किसी कंपनी या नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नियोजित किए जाने का कार्य रोजगार है। रोजगार दो पक्षों के बीच का संबंध है या अनुबंध पर आधारित होता है जहां काम के बदले भुगतान किया जाता है। कुछ रोजगार में कर्मचारियों को भुगतान के अलावा लाभ में स्वास्थ्य बीमा, आवास जिसका उपभोग शामिल है। कॉफी के धब्बे किस प्रकार छुड़ाए जाएंगे? मतलब अगर कॉफ़ी शर्ट उट में कहीं कॉफ़ी लग गया है तो उसका धब्बा कैसे हम लोग छुड़ाएंगे? तो कॉफ़ी के ताजे धब्बे सुहागा और जल की मदद से छूट जाते हैं। धब्बे वाले स्थान को सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक डुबो देते हैं। अगर धब्बे सूती पर हो तो गर्म जल की धार उस पर डालेंगे। रेशमी वस्त्र पर लगे कॉफ़ी के धब्बे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से छुड़ाएंगे। घरेलू बजट का क्या महत्व है? तो घरेलू बजट किसी भी घर के परिवार का आर्थिक दर्पण होता है। इसका महत्व निम्न है। आय व्यय में संतुलन, बजट के अनुसार व्यय, बजट बनाने से बचत, बजट के अनुसार खर्च, सीमित आय में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। जल की उपयोगिता बताएं। तो जल का प्रयोग पीने, भोजन पकाने, सफाई करने, नहाने व गंदगी को बहा ले जाने के उद्देश्य से करते हैं। प्राणी के शरीर को ऑक्सीजन के बाद जल की ही सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव क्या है? तो वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए संधि यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, मतलब माइक्रोस्कोप, संधि यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उपभोक्ता दिवस से क्या समझते हैं? तो प्रतिवर्ष 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य एक ओर उपभोक्ता में शुद्ध तथा गुणवत्ता युक्त वस्तु लेने की जागरूकता पैदा करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकों को यह अनुभव करना है कि उन्हें अपने उत्पादकों के लिए प्रमाणिक मानकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके उत्पादकों की ओर भारतीयों के साथ साथ विदेशी उपभोक्ता भी आकर्षित हो। समेकित बाल विकास योजना सेवा योजना क्या है? तो समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई थी। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं, जिनसे लाखों माताएं एवं बच्चे लाभ उठा रहे हैं। आंगनबाड़ी के बारे में लिखे, आंगनबाड़ी संस्थाओं की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिशु का देखभाल होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को बच्चों की सामान्य बीमारियों एवं समान बुद्धि के बारे में शिक्षा देते हैं। इसमें 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को थेरेपिया, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी तथा खसरे के टीका लगवाया जाता है। इसमें गरीब बच्चों, माताओं तथा गर्भवती स्त्रियों को पोषाहार दिया जाता है। डिजाइन क्या है? तो डिजाइन के सभी मूल सिद्धांत, जैसे लकीरें, आकृतियां, रंग, रचना आदि, पहनने वाले व्यक्ति और जिस मौके पर उसे पहनना है उसमें एकता या सही तालमेल बैठाना चाहिए, इसे डिजाइन कहते हैं। स्याही का दाग कैसे हटाए जाएंगे? तो स्याही का दाग लगने पर उसे साबुन तथा पानी से धोकर हटाएं। स्याही के ताजे धब्बों को दूर करने के लिए कटे हुए नींबू तथा नमक से रगड़कर धूप में सुखाएं। दाग हटाने के लिए दूध के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का प्रयोग से भी धब्बे दूर किए जा सकते हैं। बजट क्या है? तो किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। मतलब आमदनी और खर्चा का जब हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं तो वो बजट ही कहलाता है। बजट आय और व्यय का विवरण है जो अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी निश्चित अवधि में होने वाली निश्चित आय को उस अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा जोखा होता है। सरकार बजट कब बनाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार अपना बजट पेश करती है और जिसमें एक वर्ष का लेखा जोखा होता है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।